9 से 11 अगस्त तक लंदन में गीता महोत्सव की धूमधाम से मनाया गया। लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में हो रहे प्रदेश सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने शिरकत की। आपको बता दें कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के प्रतिनिधि के तौर पर उनके सचिव विजय दहिया, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण और 174 गणमान्य नागरिकों का एक प्रतिनिधिमंडल कार्यक्रम में शिरकत किया। तो वहीं गीता महोत्सव से लौटे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उद्योग मंत्री विपुल गोयल, लंदन से जो है गीता जयंती का उत्सव जो है मना करा रहे हैं। सर, किस तरीके का अनुभव लंदन? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, सभी धर्मों के लोगों ने और ओल्डेस्ट पार्लियामेंट के अंदर जो गीता जी को स्थापित किया, सभी मेंबर ऑफ काफ़ी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, उसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी तरीके के लोग थे, उन्होंने गीता को ओल्डेस्ट पार्लियामेंट के अंदर स्थापित किया। चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे वहाँ पर शोभा यात्रा की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, सभी जगह बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने इस उत्सव में भाग लिया। मुख्यमंत्री जी का संदेश था, और किस तरीके का संदेश जो है वहाँ पर दिया गया? मुख्यमंत्री जी के संदेश के साथ साथ जो भावना मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की और स्वामी ज्ञानानंद जी ने इसको आगे बढ़ाने का जो काम किया, लोगों ने उस पहल को भी बहुत सराहा और लोगों ने संकल्प लिया कि गीता को हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे और गीता के ज्ञान को विश्व के अंदर प्रचारित करेंगे। शुक्रिया। तो ये था उद्योग मंत्री विपुल गोयल, जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।